अरे बच्चों इस वीडियो में प्लस वन क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर नाइन सीक्वेंस एंड सीरीज के एक्सरसाइज नाइन पॉइंट थ्री के क्वेश्चन नंबर इलेवन को कर रहे हैं इवैल्यूएट ये साइन समेशन का है सम के इज इक्वल टू वन टू इलेवन मीन्स इलेवन टर्म्स का सम निकालना हमने K to 1 to 11, 2 3 के इज इक्वल टू वन टू इलेवन के सोल्यूशन देखिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू प्लस थ्री रेज टू पावर के को समसन टू के साथ भी लेंगे के इक्वल टू वन टू इलेवन इंटू टू प्लस समेसन के इक्वल टू वन टू इलेवन थ्री रेज टू पावर के अब ये इलेवन टाइम्स होगा के की वैल्यू तो है ही नहीं लेकिन ये इलेवन टाइम्स सम होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी टू को इलेवन टाइम्स सम करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा ट्वेंटी टू प्लस के इक्वल टू वन टू इलेवन थ्री रेज टू पावर के अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं दिस इज ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर वन मान ली हमने के इक्वल टू वन टू इलेवन थ्री रेज टू पावर के को कैसे लिखा जा सकता K के 1 1, 2, 3, है के वैल्यू वन पुट करेंगे थ्री रेज टू पावर वन प्लस थ्री रेज टू पावर टू प्लस थ्री रेज टू पावर थ्री अप टू थ्री रेज टू पावर इलेवन ठीक है दिस इज अ जी विच इज़ अ जीपी सीरीज विथ फर्स्ट टर्म ए इसमें थ्री हो गया कॉमन रेशियो थ्री रेज टू पावर टू डिवाइडेड बाई थ्री दैट मीन्स थ्री हो गया विच इज ग्रेटर देन वन एस एन ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन हो जाएगा सो एस इलेवन क्योंकि इलेवन टर्म्स है हमारे पास ए ए हमारा क्या है थ्री इंटू थ्री रेज टू पावर इलेवन माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री माइनस वन थ्री माइनस वन मीन्स टू हो गया ये हमारा किसकी किसकी वैल्यू आ गई इसकी वैल्यू आ गई मीन्स यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं समेसन ऑफ के इजकल टू वन टू इलेवन थ्री रेज टू पावर के की वैल्यू ये हो गया पुटिंग इन वन पुटिंग इन वन समेसन ऑफ के इजकल टू वन टू इलेवन टू प्लस थ्री रेज टू पावर के की वैल्यू ट्वेंटी टू तो ये हो गया ट्वेंटी टू प्लस ये वैल्यू हो जाएगी थ्री इंटू थ्री रेज टू पावर इलेवन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू दिस इज़ योर आंसर तो बहुत ही आसान सा था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए आप क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए जी पी कोई जी पी दी हुई है उसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम इज़ थर्टी नाइन बाई टेन एंड देर प्रोडक्ट इज़ वन फाइंड द कॉमन रेशो एंड द टर्म्स देखिए अगर हमारे पास कंटिन्यूस टर्म्स दी हुई हैं जी पी में अगर थ्री टर्म्स हैं ए आर और इससे पहले ए अपॉन आर ताकि जब भी उनका प्रोडक्ट दिया हो आर से आर कैंसिल हो जाता है फाइव टर्म्स अगर दी हो तो ए ए आर ए आर स्क्वेयर यहां पे ए अपॉन आर एंड ए अपॉन आर स्क्वेयर ऐसे लेंगे तो उनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाती है आसानी से हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्यूशन देखिए बहुत ही आसान सा है क्या कह रहा है लेट फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ G.P क्या ले लिया हमने ए अपोन आर ए एंड ए आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट कितना दिया, दिया हुआ है वन दिया हुआ है ए अपोन आर इन टू ए इं टू ए आर दैट इज इक्ल टू वन आर से आर कैंसिल ए क्यूब ए क्यूब इज इक्ल टू वन दिस इंप्लाइज ए इज इक्ल टू वन ए की वैल्यू हमारे पास वन हो गया सो so, टर्म्स क्या बन जाएंगे हमारे पास ए की वैल्यू वन पुट करेंगे वन अपॉन आर वन एंड आर के ए की वैल्यू uh, हमारे पास वन है तो क्या हो जाएगा आर हो जाएगा वन अपॉन आर वन इन आर अब इन्होंने कहा था सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन इन सब का सम कर दीजिए वन अपॉन आर प्लस वन प्लस आर दैट इज इक्वल टू थर्टी नाइन एलसीएम हो गया आर दिस इज वन प्लस प्लस आर स्क्वेयर विच इज इक्वल टू थर्टी नाइन अपॉन टेन हो गया यहाँ से टेन से मल्टीप्लाई करोगे टेन प्लस का टेन आर प्लस का टेन आर स्क्वेयर इज इक्ल टू थर्टी नाइन आर सो इक्वेसन बनेगी टेन आर स्क्वेयर ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस के ट्वेंटी नाइन माइनस के ट्वेंटी नाइन आर एंड प्लस का आर इक्वल टू ज़ीरो फैक्टर करेंगे टेन टेन जहाँ हंड्रेड बन रहा है तो इसके फैक्टर जो बनेंगे टेन आर स्क्केर माइनस का ट्वेंटी फाइव आर माइनस का फोर आर ट्वेंटी फाइव एंड फोर ट्वेंटी नाइन मल्टीप्लाई हंड्रेड हो गया इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पे फाइव आर कॉमन हो गया टू आर माइनस फाइव बचेगा यहाँ पे हमारे पास माइनस टू कॉमन हो गया टू आर माइनस फाइव टू ज़ीरो सो so फैक्टर हमारे टू आर माइनस फाइव इन टू फाइव आर माइनस टू इजिकल टू जीरो यहाँ से टू आर इजिकल टू फाइव यहाँ से फाइव आर इजकल टू टू आर की वैल्यू फाइव अपॉइन टू हो गया यहाँ से आर की वैल्यू टू अपॉन फाइव हो गया तो रेशो हमारे पास फाइव अपॉइन टू भी हो सकता है टू अपॉन फाइव भी हो सकता है इन्होंने क्या पूछा था हमसे कॉमन रेशो हो गया एंड द टर्म्स सो टर्म्स क्या होंगे हमारी टर्म्स अगर हम फाइव बाई टू लेते हैं तो यहाँ पे देखिए वन अपॉन आर मींस वन अपॉन फाइव अपॉइन टू वन एंड फाइव अपॉन टू चेंज हो जाएगा टू अपॉन फाइव वन एंड फाइव अपॉन टू और अगर हम आर की वैल्यू टू अपॉइंट फाइव लेते हैं तो वन अपॉन टू अपॉन फाइव वन टू अपॉन फाइव वैल्यू तो वही बन रही है दिस एम्प्लाइज फाइव अपॉइन्ट टू वन एंड टू अपॉन फाइव सेम हमारे पास टर्म्स आ रही हैं तो ये भी बहुत ही आसान था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन स्टेटमेंट हाउ मैनी टर्म्स ऑफ जीपी इस जीपी की कितनी टर्म्स आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ 120 120 सम के लिए कितनी टर्म्स हमें चाहिए सॉल्यूशन देखें जीपी थ्री थ्री स्क्वेयर थ्री क्यूब एंड सोन फर्स्ट टर्म ए थ्री है आर थ्री रेज टू पावर टू डिवाइडेड बाई थ्री दैट मीन्स थ्री हो गया विच इज ग्रेटर देन वन एस एन हमें कितना दिया हुआ है एस एन दिया हुआ है वन ट्वेंटी एस एन का फार्मूला ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन इज इक्वल टू इक्वल है वन ट्वेंटी के वट इज ए इज थ्री आर रेज टू पावर थ्री हमारे पास आर की वैल्यू थ्री है सो थ्री रेज टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू हमें नहीं पता थ्री माइनस वन इज इक्वल टू वन ट्वेंटी ये थ्री नीचे टू टू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास थ्री रेज टू पावर एन माइनस वन ये टू उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया वन ट्वेंटी इंटू टू डिवाइडेड बाई थ्री इधर जाके डिवाइड हो जाएगा ये कैंसिल होके फोर्टी फोर्टी टू जा एट्टी ये वन इधर जाके प्लस थ्री रेज टू पावर एन थ्री रेज टू पावर एन दैट इज एट्टी वन एट्टी वन मीन्स थ्री रेज टू पावर फोर सो बेस सेम है एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा तो कितनी टर्म्स चाहिए फोर टर्म्स ऑफ जी पी थ्री थ्री स्क्र थ्री क्यूब आर नीडेड टू गिव 120 तो बहुत ही आसान से थे सभी के सभी क्वेश्चन चलिए इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत